प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। सुबह से राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी जला, जलाने की कोशिश तो की है, निजी आवास था प्रधानमंत्री का जिसको जला दिया था। और अभी इस तरह आपकी चाय आ गई जो कि ठंडी हो रही है, मुझे लग रहा है नहीं नहीं इजाजत दे दूंगी। बस एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप दिन में कितनी चाय पीती हो और आपको चाय कितना पसंद है? यार मैं बताऊँ, पहले भी बता चुकी, पता नहीं, अब एक होता ना कि किसी किसी चीज से आपको इश्क होती है, मोहब्बत चाय से है मुझे। और मुझे मतलब अगर इसके मुझे लेकिन बोला जाए तो आप कॉफी या कोल्ड कॉफी कुछ नहीं, चाय हाँ चाय, ग्रीन टी भी नहीं। ग्रीन टी तो ऐसे वजन कम करने के लिए कभी कभी, अदरक की कड़क चाय हाँ बिल्कुल, वो गोरखपुर बनारसी चाय वही वाली बिल्कुल। और दिन में कितनी बार? यार वैसे तो अगर मुझे डॉक्टर अलाउ करते तो मैं 6-7 बार पी लेती, बट अभी चूंकि गला मेरा बीच में खराब रह रहा था तो कहा गया कि नहीं तुम अदरक वाली कम चाय पियो करूंगी। डॉक्टर डॉक्टर ने मना किया चाय पीने अच्छा के लिए। अदरक तो गले, अरे ये तो मानते गला साफ होता है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो वही काम करती थी, मेरा गला जब खराब होता था मैं खूब अदरक वाली चाय पीती थी। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची अपनी प्रॉब्लम के को लेकर कि मेरा गला खराब हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अदरक वाली चाय तुरंत कम कीजिए, उसमें इलायची डाल के आप चाय पी लें, आप ज्यादा अदरक की चाय पियेंगे तो खराश रहेगी गले में। अच्छा तो ये नहीं पता होगा दर्शकों, काम की बात नहीं, डॉक्टर ने बताई। और ज्यादा चाय पीने से वजन भी बढ़ता है। हाँ सोचो ये लिक्विड है उसके बावजूद नहीं, इसमें शुगर अगर नहीं डालो तब भी वजन बढ़ता है। यार पता नहीं अब शुगर वगैरह का नहीं पता, बट नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से जरूर पूछिएगा कि चाय में अगर शुगर नहीं डालते तो क्या वेट बढ़ेगा। आप वो कहते हैं कि आप ग्रीन टी पियो या ब्लैक कॉफी पियो, मतलब इन दोनों को प्रेफर करो, बट कौन इतनी कड़वी, ये बारिश में कहां मजा देती है। हम लोग कहते हैं कि स्वाद डेवलप करो, स्वाद आएगा आपको लेकिन बाद में। हम लोग हैं गोरखपुर के, ये लोग मनाते हैं, हम लोगों को अमेरिका कैसे चलेगा यार। अपनी पहचान के साथ चलनी चाहिए है ना, हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए, सुबह शाम तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। अच्छा मैंने एक खबर पढ़ी थी चाय के साथ हम लोग पकौड़ियाँ कितने खाते हैं, तो एक रिसर्च आई जिसमें कह रहे हैं बेसन से बने आइटम चाय के साथ नहीं खाना। मैंने देखा देखी थी आप जो बता रही थी कि चाय के साथ क्या क्या, ड्राई फ्रूट्स का भी जिक्र था, लोग मखाने या दिमाग लगा के काजू पहुंच जाए। हाँ फिर तो हो गया, मखाने खा लेती हूँ चाय के साथ अक्सर, काजू भी लोग फ्राई करके खा लेते हैं, वो भी फिर खराबी है। बेसन की पकौड़ी या ये सब तो हर समय खाता है बंदा, यहाँ पता ही नहीं था किसी को। चाय के साथ चार चीजें क्या खा सकते हैं ये बता, बिस्किट वगैरह आप खा सकते हैं, थोड़ी सी नमकीन, नमकीन में भी वो बेसन या मैदा होता है, मैदे के आइटम खाइए। बेसन और चना, ये जिनको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है उनको कम खाना चाहिए। अच्छा बेसन और चना, बेसन और चना डॉक्टर मना करते हैं। खाना कितना खाती हैं आप? खाना बहुत कम खाती है, मैंने अभी हाल फिलहाल सुना ये बहुत कम खाना खाती है। दर्शकों ने कहा कि प्लीज आप जल्द से जल्द अपना वजन घटाइए, तो मैं उसी कोशिश में हूं। आपको पता यही बात मोदी जी ने तेजस्वी यादव को भी कही है। तेजस्वी यादव की अभी नई नई शादी हुई है उनको, तो थोड़ा सा हाँ, तो उस पे तेजस्वी मुस्कुरा रहे थे, कितना फंबल कर रहे थे, ऐसे कॉन्शियस हो गए थे प्रधान, वो मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ थे और उस समय कितने रुक रुक। मैं बताऊँ तेजस्वी को जितना मैं जानती हूँ, वो जब स्पॉन्टेनियस बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, उनको क्या जरूरत थी कागज देकर बोलने की, क्योंकि मैंने बिहार जब विधानसभा का कवरेज किया था वो बिना कागज पढ़े वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, पता नहीं अब उनके मन में जो भी, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, वो बहुत देर देर तक बोलते हैं, पर कुछ रहा होगा कागज पढ़ के बोलने की बातें, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिना देखे बोलते तो जो उन्होंने बोला है उसे कहीं ज्यादा अच्छा बोलते हैं और वो अच्छा बोलते हैं। कई बार हम और आप बिना टीवी पढ़े पहुंच जाते हैं और कठिन कठिन शब्द मिल जाए तो फंसते हैं, कंबल करते हैं, वो होता रहता है सबके साथ होता है, तो मतलब हालांकि उस पर उनका थोड़ा मजाक भी बन रहा है बट होता है, हम लोगों के साथ भी होता है जो रोज ही पढ़ते हैं। चाय पसंद है गरम? बिल्कुल आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं शो को खत्म करना चाह रही हूँ यहीं पर, अड्डा को बाइंड कर देती हूँ। फंसे थे राहुल गांधी, फंसे थे 4 या 5 मर्तबा। विश्वेश्वरैया बोल ही नहीं पाए थे, एक बार पिता से बुलवाते हैं। विश्वेश्वरैया क्यों बुलवा रही है? ये जो फंसाने वाले काम आप करें, मैं उनकी चाय ठंडी हो रही है इसलिए मैं चाह रही हूँ चाय पी ले, और ये तो फंसाने में लगा रहता है ऑल द टाइम। एनीवेज अब अड्डा हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि चित्रा की चाय भी ठंडी हो रही है, और कल फिर हाजिर होंगे अड्डा में, तब तक ये सारे लोग यहाँ पे अगर बैठे रहेंगे तो फिर रिसर्च भी करनी है मुझे। चलिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।